क्या आपको मालूम है कि रात को खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए टहलना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रात के खाने के बाद टहलने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट की चर्बी भी कम हो जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में खाना खाने के बाद टहलना स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद क्यों माना जाता है। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट टहलना पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि टहलने से पेट के जो गैस्ट्रिक एंजाइम निकलते हैं वो अच्छे से खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। साथ ही टहलना हमारी पाचन शक्ति को मजबूत भी करता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे ब्लोटिंग, कब्ज और पेट दर्द की शिकायत से छुटकारा दिलाने में भी इससे मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए खाना खाने के बाद टहलना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि टहलने से आपकी कैलोरी बर्न होती है जिससे आप फिट रहते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी टहलना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आप काफी फिट भी रहते हैं। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट टहलने से पाचन शक्ति को मजबूती मिलती है। ये हमारे शरीर से टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। आपको बता दें कि खाना खाने के 30 मिनट बाद ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद 15-20 मिनट तक टहल लेंगे तो आपका शरीर कुछ मात्रा में ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। खाना खाने के बाद टहलने से आपकी खाना खाने की क्रेविंग भी कम हो जाती है, जिससे भूख कम लगती है। आमतौर पर लोग खाना खाने के बाद अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं, जिससे वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही वो गंभीर बीमारियों के शिकार भी बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद वॉक पर जाना बेहद जरूरी है। डिनर के बाद वॉक पर जाना आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको रात को सोते समय परेशानी होती है तो रात में खाना खाने के बाद वॉक पर जरूर जाएं। कुछ ही दिन में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। हमारे इस वीडियो पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।